इसका अर्थ है कि नेहरू जी ने जैसे भारत साहब समाज बना करके हिंदुओं को गिरा दिया, वैसे अंत में विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, धर्म संसद, शंकराचार्य की पहचान मिट जाए, यही षड्यंत्र तो हुआ या नहीं हुआ? कौन हमारे हैं जो आंसू पोछने के लिए आते वो भी हमको एक लाट मार जाते हैं, तो कैसे एक होंगे? व्यक्तित्व का व्यामोह, पहचान की बात है ना लड़ाई की। ऐसा ना हो कि शंकराचार्य के हाथ में नेत्र, ये कथावाचक हमारे पास क्यों नहीं आते, दो चार छोड़कर, तीन कथावाचक केवल हैं, विवेक जी हैं, जमन जी हैं, जमन जी का पूरा परिवार समझ लिया, और कौन है, निमाई जी तो अब कथावाचक नहीं रहे। वो सोचते हैं शंकराचार्य का पद ऊंचा है, अगर मैं अपने परिचित क्षेत्र में ले जाऊंगा तो मेरे चेले चपाटी श्रोता कहीं शंकराचार्य के ना हो जाए, इसलिए कथावाचकों को मुझसे परहेज, संतों को मुझसे परहेज, क्यों, शंकराचार्य का पद बड़ा ऊंचा होता है, हमारे बीच में आ जाएंगे कहीं हमारे अनुयायी उनके ना हो जाए। लो